तो ये देखो दोस्तों, मेरे पास एक मोबाइल फोन आया है, ये Y21 है। इस Y21 मोबाइल फोन को कस्टमर ने पहले से ही रीसेट कर दिया है। क्या कर दिया है? रीसेट कर दिया। तो रीसेट करने के बाद उसमें क्या लग जाता है? रीसेट करने के बाद उसमें FRP लॉक लग जाता है। क्या लग जाता है? FRP लॉक लग जाता है। तो उस FRP लॉक को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, उसका तरीका हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो उसका FRP तोड़ने का तरीका क्या है, FRP को बाईपास करने का तरीका क्या है। लेकिन हम लोग जो सीख रहे हैं डोंगल के माध्यम सीख रहे हैं कि डोंगल के माध्यम से कोई भी मोबाइल फोन आएगा, उस मोबाइल फोन में हम लोग FRP को कैसे हटाएंगे उसका तरीका देख रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं। सिस्टम से कनेक्ट होने के बाद हमको ये Y21 मोबाइल फोन है, जैसा मरीना से जब Y21 मोबाइल फोन को देखेंगे तो इसके अंदर CPU कौन सा लगा होता है? MediaTek का CPU लगा होता है। MediaTek का CPU लगा होता है, ये हमारे डोंगल के माध्यम से होता है। तो हम लोग डोंगल बजाते हैं। डोंगल बजाने के बाद जितने भी वीवो का जो नए मोबाइल फोन आए हैं, वीवो के अंदर जो नई सिक्योरिटी के मोबाइल फोन आए हैं, उस मोबाइल फोन के लिए प्री लोडर से किया जाता है। किससे किया जाता है? प्री लोडर। प्री लोडर में कितने मोबाइल फोन है? वीवो है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, आईटेल है। तो आप वीवो वाले मॉडल को ले लेंगे। वीवो वाले मॉडल लेने के बाद यहाँ पर FRP करेंगे, क्योंकि इसमें कौन सा लॉक लगा है? FRP। FRP का मतलब होता है जिस मोबाइल फोन में Gmail ID पासवर्ड मांगता है। क्या मांगता है? Gmail ID पासवर्ड मांगता है, उसको हम लोग FRP लॉक बोलते हैं। तो इसके लिए फोन को पहले हमको क्या करना पड़ेगा? स्विच ऑफ करना पड़ेगा। फोन स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद मोबाइल फोन को कनेक्ट कराएंगे। मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आपको डिवाइस मैनेजर में जाना पड़ता है। कहां पर जाना पड़ता है? डिवाइस मैनेजर में जाना पड़ता है। डिवाइस मैनेजर के बाद कहां पर जाना पड़ता है? मैनेज में जाना पड़ता है। मैनेज में जाकर के तुमको ये देखना होता है कि आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी दोस्त तभी काम करता है जब आपका फोन कनेक्ट हो, बिना कनेक्ट हुए उसका कोई रोल नहीं है। तो हम लोग डिवाइस मैनेजर खोला है। डिवाइस मैनेजर पर मैं कनेक्टिविटी चेक कराता हूँ आपको। वीवो का मोबाइल फोन है तो इसमें वॉल्यूम माइनस और डाटा की भी लगाएंगे। क्या करेंगे? वॉल्यूम माइनस और डाटा की भी लगाएंगे। जैसे वॉल्यूम माइनस और डाटा की भी लगाएंगे तो आप देखेंगे आपका मोबाइल फोन कनेक्ट होगा। देखिए यहां पर पोर्ट बनाया, इसने बनाया ना COM19, MediaTek COM19। अच्छा, जितने वीवो का मोबाइल फोन होते हैं पोर्ट बना करके छोड़ देते हैं, तो पोर्ट बना के छोड़ने का मतलब होता है आपका मोबाइल फोन तो कनेक्ट हो गया। अब यहां पर जब इसने COM19 बोला तो जब सॉफ्टवेयर में जाओगे तो वहां भी COM19 बोलेगा। COM19 का मतलब होता है कम्युनिकेशन 19 नंबर, मतलब कंप्यूटर उसको नहीं जानता वीवो को, कंप्यूटर इसको नंबर देता है। जैसे हमारा स्कूल में सीरियल नंबर नहीं होता, रोल नंबर जो हमको मिलता था, वो सिस्टम नहीं जानता, सिस्टम रोल नंबर को जानता है। अब इसको हम माइनस कर लिया। यहां पर जाकर के हमने ये चेक किया कि हमारा फोन कनेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारा फोन कनेक्ट हो रहा है। अब हमारे मोबाइल फोन में कनेक्टिविटी तो हो गई। कनेक्टिविटी होने के बाद हमने फॉर्मेट FS पे गए और यहाँ पर क्या कर दिया है? एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर रन होगा। ये देखिए कह रहा फोन कनेक्ट कराइए, तो हमने वॉल्यूम माइनस बटन दबा के डाटा केबल घुसेड़ दिया। देखो फोन कनेक्ट हुआ, COM19 लिख के आया। ये देखिए ये सॉफ्टवेयर चलने लगा। जब तक ये पूरा आगे तक पास नहीं हो जाएगा तब तक हमको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। या तो पास हो जाए या तो मोबाइल फोन चालू हो जाए, ऑन हो जाए। चार्जर देना, चार्जर चार्जर लाओ, बैटरी रनिंग, बैटरी लो, चार्जर
चार्जर लैपटॉप का चार्जर दीजिए। बंद हो गया। रिस्टार्ट एफआरपी पे क्लिक किया, उसके बाद क्या कर दिया, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद वॉल्यूम माइनस दबाए, डाटा केबल लगा दिए, हमारा मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया। और ये फिर उसी सिचुएशन में जा करके रुक गया। अब इसका लॉक टूटने में वैसे तो तुरंत हो जाता है, लेकिन ये सेकंड डीए का इसमें इशू आ रहा है। अगर हो जाता है ठीक है, नहीं हो जाएगा तो भी फेल लिख करके देगा। हम लोग एक दो मिनट तीन मिनट का वेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जितने भी वीवो के मोबाइल फोन आते हैं, वीवो के मोबाइल फोन में सारे वीवो के जो लेटेस्ट सिक्योरिटी के मोबाइल फोन है, प्री लोडर के माध्यम से हो रहे हैं। अब ये यहाँ पर रुका हुआ है, यहाँ पर रुकने के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ना तो मोबाइल फोन को कर पा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इस टूल को स्टॉप करेंगे। क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद इसको क्लोज करेंगे, डाटा केबल हटा देंगे। मोबाइल फोन को ऑन करके देखेंगे कि काम कर पाया कि नहीं कर पाया। अब यहाँ पर देखिए, इस मोबाइल फोन को डोंगल के माध्यम से मोबाइल फोन नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगर हो जाता है ठीक है, नहीं हो पाता तो फिर हम लोग दूसरे टूल में जाते हैं। कैसे जाते हैं, दूसरे टूल के माध्यम से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को अनलॉक टूल के माध्यम से करेंगे। अनलॉक टूल जो रहता है, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड पे चलता है। इससे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन भी रिपेयरिंग करी जाती है। इस टूल को खुलने में सर्वर बेस्ड होता है, समय लगता है। और ये जो टूल चलता है अनलॉक टूल, ये टोटली इंटरनेट पे चलता है, मतलब इंटरनेट बेस्ड है।